अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। शादियाँ ने खुशी के बजाए गए, शाद के नगमे सबको सुनाए गए। हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐलान किया, ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह अल्लाह, बीबी अमना के फूल अल्लाह अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं जी आप? तो जी ये कलाम है, बहुत प्यारा कलाम, ये बड़े लोगों ने पढ़ा, लेकिन यहाँ ये कलाम मैंने अपनी आवाज़ में पढ़ा। परवीन अख्तर, मैंने अपना अपनी आवाज़ में ये कलाम पढ़ा है, ये किसी का पढ़ा हुआ कलाम नहीं है। तो जी आप सबको जी आप सबको जो है विलादत पाक का महीना 12 रबीउल अव्वल नूर का महीना मुबारक हो, और सबके लिए खुशियाँ ढेरों ढेर खुशियाँ लेके आए। और विलादत पाक के सबके जो बे औलाद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको साहिब औलाद फरमाए। जितने बे औलाद है अल्लाह पाक मान अली पाशा को भी सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद अता फरमाए, तो सबकी झोलियाँ मुरादों से भर दे। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दामन मुरादों से भर दें। तो जी हाँ, मेरे व्यूवर्स ने मुझे एक ज़रूर एडवाइस देनी है, मुझे राय देनी है कि क्या मुझे ये गिफ्ट वापस कर देने चाहिए, क्योंकि मुझे कमेंट आया है जी आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप सेलिब्रेशन कर रहे, सालगिरह मना रहे हैं। तो जी हमने क्या मनाया सालगिरह, यहाँ पे क्या दिखाया सालगिरह का मनाया, कुछ भी नहीं। सादा सा खाना बनाया हमने, जो रोटी सालन बनाते हैं और वो भी आगे पीछे फिर भी अच्छा बनाते हैं। मैंने मामा से आया, कल हम लोगों ने बनाया हुआ था बिरयानी, परसों चिकन बनाया था। तो आज मैंने मामा से पूछा क्या बनाया, मामा ने कहा वो बेसन की ना टांग रहे थे। मैंने कहा मामा आपका आपके ना आज बर्थडे, तो मामा कहते बेटा फिर क्या हो गया, बड़ों की कहाँ होती है, बच्चों की होती है। बच्चों का होता है, तो वो बच्चों की ख्वाहिश थी, उन्होंने रात को क्या छोटा सा केक ला के, तो मेरे बेटे ने बहू ने बेटी ने, तो जी एक आज भी मुझे एक गिफ्ट मिला है सूट, जो अबीरा की मेरी बहू की मम्मा लेके आई थी, वो देखी गई है। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, बीमार है लेकिन ये मोहब्बतें हैं। देखिए हमारे मज़हब में भी गिफ्ट हैं, तोहफे हैं, तोहफे तो देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। तो क्या आपने मुझे बताना है कमेंट में कि मुझे वापस कर देने चाहिए, फरीक मामा को भी, अबीरा नुमान को भी, उनकी वालदा को भी। तो हक सच की बात करते हैं, कोई बात नहीं। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले थे ना दीन का झंडा लेके, तो उन्हें भी बहुत बातें सुनाई गई थी। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो वकील से बंदे हैं, उनके कदमों के ज़र्रों में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो जी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए, बहुत खूबसूरत कमेंट आए, थैंक यू सो मच, जो जजाकल्ला खैर। तो जो लोग हमारे साथ इत्तफाक राय रखते हैं, और जिन्होंने मेरी स्टिचिंग की हुई उन्हें शर्ट बहुत पसंद आई, और जिन्होंने मेरी बर्थडे के लिए कहा है, तो मैं बच्चों से कहती हूँ ऐसे खुशियाँ मना रहते हैं, सब लोगों ने आपको दिया है। तो हालांकि हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो रहा होता, बस ये एक दुनियादारी की खुशियाँ हैं, लेकिन जिस तरह एक एक सेकंड नीचे जा रहा होता है ना, बंदे की ज़िंदगी इसी तरह ही कम हो रही होती है। पता नहीं अगला साल किसके नसीब में है या नहीं, बल्कि अगला सांस भी किसके नसीब में है या नहीं। तो जी आपने सही कहा कि जिस तरह ये बोरियाँ भर भर के खजूरों की दी गई हैं, तो रात को मैंने जब इरम की वीडियो देखी तो बड़ी दुखी थी, परेशान थी, तो मैं भी थोड़ी सी परेशान होगी। मैंने कहा सचमुच शायद इस बच्ची को थोड़ा सा रियलाइज़ हो गया है कि मैंने गलत किया था, रात उसने यही कहा। लेकिन ये जो होशियार टब्बर है, उन्होंने फ़ौरन से हुमैरा ने थोड़े से गिफ्ट इरम को भेज दी, और इरम का कर दिया मुँह बंद।
तो फिर हमने जी सुबह वीडियो बना दी कि जी मेरा आप ही ने मेरे लिए गिफ्ट भेजे, हालांकि उसको अपनी बदनामियाँ बदनामियाँ रात जिस पर वो थोड़ा सो रही थी कि मेरे चैनल की बंद करना पड़ा, मेरे घर वालों को भी बुरा लगा, ये वो मुझे लोग मना कर रहे थे, तो नीचे कमेंट भी ये आए हुए थे कि आज आपको समझ आई है, तो यही चीज़ हम लोग कह रहे थे, वो कह रही थी मेरी मुझ पर वीडियोज़ भी बनी, मुझे कमेंट भी आए। तो देखिए किसी को अच्छे के लिए अगर वीडियोस बनती है या कमेंट आते हैं तो इंसान को समझना चाहिए कि मैं गलती पे हूँ, बाकी उसकी मर्ज़ी है। आजकल अगर ख़राब आपकी गंदी औलाद भी निकल आए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो बस अल्लाह ताला हिदायत दे, सबको हिदायत के रास्ते दे। तो जी आपने जो हमें कहा है कि सब अहमद पे भी वीडियो बनाए, तो इंशाल्लाह ताला सुबह उन पर भी वीडियो बनाएंगे। इन लोगों को, ये पाकिस्तान के यूट्यूबरों को ज़रा शर्म हया नहीं है कि ये अगर अल्लाह ताला इनको ये एक प्यारा सा जो दे देता है मौका, तो इनको वहाँ जाने का, तो वहाँ जाके भी इनकी वही ड्रामेबाजियाँ, बंदा क्या तो कह सकता है। वही मुझे कमेंट भी आया हुआ था कि जैसे ये बार बार जिसको भी जाए नमाज दे रही है, यही कह रही है ये ना क्लीन वाली क्लीन वाली जाए नमाज है, तो बंदा पूछे अपने बाप की जो चीज लाई उसको डिग्रेड कर रही है, तो वही कर रही है ना कि ये खुद तो अच्छी चीजें नहीं लेके आए, हम लोग अच्छी लेके आए, लेकिन सबने 10,000 के लिए ये इतने इतने मामा कह रहे हैं आधी खजूर 5 किलो तो इसने अपने मायके में भेज दी है, तो क्या ऐसा क्यों किया था। नीचे कमेंट भी आया हुआ था वो अब्बा जी अजवा खजूर ने ना लेके अच्छी वाली, थोड़ी सी सस्ती खजूर लाए हैं इसलिए, ये थोड़ी सी अच्छी लेके आए, तो इसलिए सारी उठा के अपने मायके में भेज दी हैं। तो आज आसिया को भी बहुत गुस्सा आया हुआ था बहन भाइयों पे, कि कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं उनको कि ये जेलस फील हो गई या जल गई है, तो उसने फिर अपना बताया कि नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं खाना बना रही थी तो मेरे भी वालदेन ने भी जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी तो उन्होंने भैंस दी थी, तो ये जिम्मेदार तबका है, जहर है जिसके पास भैंस है तो वो इस तरह के दे देते हैं, जानवर दे देते हैं, या अभी उन्होंने भी अपनी बेटी को फ्रिज लेके दी है, तो जिनके पास है वो देते हैं, बूढ़े होते तक बेटियाँ लेती हैं, आगे जो नवासियाँ होते हैं वही ना, जो नवासियाँ हैं वो भी लेते हैं, जब नवासियों की शादियों पे तो कई जगह पे होता है कि जी पूरा वो जिसको कहते हैं नान की छक बनानी है, वो पूरा जहेज ननहाल वालों को बनाना पड़ता है। बल्कि एक मैं आपको हमारे मोहल्ले में ही है नेबर में ना, वो बता रहे थे जी फौतगी हुई है तो जो उनकी बेटी थी ना, तो उसको सोने की डंडियाँ डालनी है, जो सोने की डंडियों पर आ जाए अगर इसकी खुदा ना करे सास पहुँचे तो अल्लाह माफ करे, वो तो फिर कुड़ी आपे कहती होगी छे छे थी मेरी सास मरे तो मैंने सोने की डंडी, मुझे याद नहीं जब ये नसरुल्लाह का ससुर फौत हुआ था तो उस मैला को भी कांटे डाले थे। हाँ जी, तो ये गलत रिवाज है, ये हमारे कर्नाटक ने कुछ कपड़े कुछ ये होता है, तो जिसके पास जितना है वो खुशियाँ क्या, गमियों में भी है ऐसी बात, बल्कि अब तो शहरों में गमियों के भी वो कार्ड छपना शुरू हो गए हैं, वो कुर्सियाँ लगती हैं और वो बिल्कुल वो शादियों वाला सीन होता है, तो जिसके पास जो है कहते हैं जिसके दीदे कर दाने थे कमले भी सियाने, तो देखा नहीं रुच मेहरा ने भी जो है उनकी सिस्टर तायरा सिस्टर ने भी 5,000 रुपया दे दिया ना, तो उनकी वो दिया है ना, और आसिया भाभी ने भी आज 5,000 दे दिया, तो यही बनता है कपड़े नहीं अभी हम लोग पैसे देते हैं, वो कह रहे थे हम कपड़े नहीं देते क्योंकि कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता इन्होंने कोई उसकी बच्ची के लिए ज्यादा किया है, वो जो हुई है हीरा तो ये मियाँ के साथ जाके एक दो फ्रॉकें लेके आई है, इसके अलावा मैंने नहीं देखा कोई कपड़े छपड़े दिए, तो यही खालाएं होती हैं या फूफो जो होती हैं तो ये 5,000 होते हैं और क्या, और मेरा यह था कि चलो ये सब लोग फियाज जैसे 5,000 देता और आसिया 5,000-10,000 और जैसे तायरा ये सारे 25,000-30,000 करके जो इनके घर में श्रीलंका का वो बना हुआ है ना नक्शा दीवारों पे वो ही छुपा लेते हैं, हाँ वो ही ये कर लेते हैं अपना, लेकिन जी वो भी है वहाँ उसको फियाज को बहुत बुरा लगा था, उसने भी कहा कि उनके घर को क्या इतना अच्छा भला उनका घर है 2 कमरे अब मेरा कमरा भी खाली हो जाएगा, तो खुद कोठी बना के बैठ गया और उनके कमरों पर भी इस तरह ये तबसरे कर रहा था, इतना गुस्से से बोल रहा था, देखा करें व्यूअर्स आपकी फैमिली है, जब आप बात करते हो तो आप कहते हैं जी वो मैं आपको क्या बताऊँ, वो पंजाबी के मसाला आपने हर चीज़ सोया जागा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ दिखाते हैं, तो अगर फैमिली में से कोई कमेंट कर भी ले तो आप रिश्तेदार भी देखें, जब हम कुछ बात करते हैं तो काफ़ी हमारे रिश्तेदार बीच में कोई ना कोई बात पूछते हैं, तो कोई बात नहीं अभी हमारी फैमिली अगर किसी ने बात कर ली तो लड़ने पर ना तुला करें, फिर उसी तरीके से अच्छी तरीके से जवाब दिया करें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, आप हमारी दुआ में हर तुम्हारे साथ होते हैं जी।